उनका चेहरा सब जानता है नीतीश कुमार का। अब जरूरत नहीं है विपक्ष को। आरजेडी का हेड यहाँ खड़ा है आपके सामने। लालू जी नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूँ अनुराग। नीतीश का नाम सुनते ही भड़क गए लालू यादव। जी हाँ, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। दरअसल कल लालू यादव से देर रात मुलाकात की झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने, उसके बाद थोड़ी देर वो मीडिया के बीच भी आए लालू यादव, और उस दौरान उनसे जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि वो एनडीए छोड़ें और विपक्ष के नेता के तौर पर, विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के तौर पर जो वो लीड करें विपक्ष को, इस तरह की बात कह रहे हैं विपक्ष के नेता, तो लालू यादव भड़क गए। जी हाँ, लालू यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि नीतीश का चेहरा क्या है सब जानते हैं। क्या कह रहे हैं लालू यादव, पहले सुनिए पूरी बात उनकी। में कहा है कि मौजूदा समय में जाति जनगणना की जरूरत नहीं है। मैंने इस चीज को सही ढंग से भारत सरकार ने रखा नहीं जी। जो रखना चाहिए था कि जो बैक वेंचर है या जो बजट बनता है देश में, अंदाज पर बजट बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो इसको हम लोग देखेंगे लीगल क्या उपाय हो सकता है। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा, लोगों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के सरकार से भी अपील की जा रही है, सभी दलों से भी अपील की जा रही है कि एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए। हाँ, तो सब इकट्ठा रहे। तो ये क्या राष्ट्रव्यापी अब इस चीज को आप लोग लेकर? हाँ, राष्ट्रव्यापी मामला है। ठीक है, 2010 में जो जिस तरीके से आपने शुरुआत किया था जातीय जनगणना को लेकर, आप इस बार भी आरजेडी मुलाकात करने। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि नीतीश कुमार को आरजेडी के लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि अब छोड़िए, आइए और विपक्ष में एक चेहरा बनिए। अब हमको नहीं मालूम है क्या बोल रहा है। उनका चेहरा सब जानता है नीतीश कुमार का। अब जरूरत नहीं है विपक्ष को। आरजेडी का हेड यहाँ खड़ा है आपके सामने। लालू जी, आज हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है। हेमंत जो है हम लोग के छोटा भाई की तरह है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे आरजेडी वहाँ सम्मिलित है। मंत्री जी मंत्री जी आइए साथ आइए। देखिए हमारा मंत्री है, पार्टी खड़े हो जाइए वहाँ पर। जीता भक्त खोल ना रे मुंह, खोल लीजिए, बोलो ना, बोलना पड़ेगा, खोलो। मिले लालू यादव से आज कैसा लग रहा है मंत्री का शपथ लेने के बाद? कोरोना के बाद लालू यादव से मिले, क्या क्या मिला आशीर्वाद? भोग रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बातों ने कहा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने सारे बातें को रखा, और कोविड काल के बाद पहली बार हम लोग कहीं मुलाकात हुई है, क्योंकि देश प्रदेश तो लोग था अनलोक की ओर है जी। तो कल सब दलीय हम लोग गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिलेंगे, और झारखंड के हालात पर भी बात होगी, और जाति जनगणना पर भी बात होगी, और सब मैकोर पर भी बात होगी। जी लालू जी, आज जो मुलाकात हुई है हेमंत सोरेन जी से, आप रेजिडेंस पे मिले? जी, और आए हैं मिलने देखने के लिए। तो अब प्रसन्नता हुई कि दिल्ली प्रवास के दौरान ये सब लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो क्या आपने कोई मार्गदर्शन भी किया है? कल अमित शाह जी से मुलाकात है, गृह मंत्री से, क्या मार्गदर्शन किया आपने किसी तरह का? तो सुन लिया आपने, लालू यादव ने कहा कि नीतीश का चेहरा सब जानते हैं, नीतीश के चेहरे के नाम पर भड़क गए लालू यादव, और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है आपके सामने आरजेडी का हेड खड़ा है, देख लीजिए, नीतीश कुमार को फिर से महागठबंधन में शामिल कराना से किसी प्रकार का ये सच नहीं है, ये सब महज अफवाह है, नीतीश कुमार महागठबंधन में आने नहीं जा रहे हैं, इस तरह की बात वो कहते नजर आए। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से नीतीश कुमार पिछले दिनों उनकी बात आई थी कि जिंद की रैली में शामिल होने वाले हैं, हरियाणा की रैली में, हालांकि बाद में आखिरी वक्त पे उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। दरअसल मामला बिगड़ गया था क्योंकि जिंद की रैली में माना जा रहा था कि पीएम मोदी के खिलाफ जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जुटेंगे, और नीतीश कुमार का भी नाम उसमें शामिल था, लेकिन बात बिगड़ जाती उस रैली में शामिल होने से। ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें निमंत्रित किया था तो उस पर उन्होंने कदम खींच लिए थे। हालांकि देवीलाल से उनका पुराना संबंध रहा है नीतीश कुमार का, जो ओम प्रकाश जो देश के उप प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती मनाई जा रही थी और इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला ने जो बयान दिया था और उसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर आना चाहिए विपक्ष के साथ, जो मोर्चा बन रहा है सरकार के खिलाफ,
केंद्र सरकार के खिलाफ, उसमें वो उन्हें शामिल होना चाहिए। पिछले दिनों ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो कहते नजर आए थे। तो अब इस पर सियासत हो रही है कि नीतीश कुमार को चेहरा बनना चाहिए, लेकिन चेहरे की बात सुनकर लालू यादव पूरा भड़क गए और भड़क के जो बात उन्होंने कही हमने आपको सुनाया। तो उन्होंने दरअसल अभी आज बताया कि दिल्ली में बैठक चल रही है अमित शाह के नेतृत्व में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और तमाम उन राज्यों के जहां जो उग्रवाद प्रभावित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार भी गए हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं हेमंत सोरेन। तो कई नेताओं ने लालू यादव से मुलाकात की है। तो उस दौरान हेमंत सोरेन ने उनके स्वास्थ्य को लेकर उनका हालचाल जाना। वो मीसा भारती के आवास पर रह रहे हैं लालू यादव, वहाँ पहुँचे थे हेमंत सोरेन। और ट्वीट करके उन्होंने कहा है हेमंत सोरेन ने कि शनिवार रात को उन्होंने दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो और अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी से मुलाकात की। उन्होंने उनका कुशल क्षेम पूछा। आगे उन्होंने लिखा कि परमात्मा लालू जी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। तो खैर, झारखंड में सत्ता है और सत्ता को संभाल रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, और लालू यादव भी उसमें भागीदार हैं, उनकी पार्टी भी। तो वो मिलने पहुँचे थे, उनका हालचाल उन्होंने लिया। लेकिन बिहार में सत्ता आर पार की लड़ाई है सत्ता के लिए, और अब जब लालू से नीतीश का नाम लेकर पूछा गया चेहरे के सवाल पर, तो लालू यादव जबरदस्त भड़क गए। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।